अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई। हमले के बाद ट्रंप के कान से खून बहने लगा। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इस मामले में एक ट्रंप समर्थन के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। साथ ही इस हमले में अज्ञात हमलावर के भी मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए इस जानलेवे हमले की निंदा की है। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने से है, इस वजह से ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस दौरान यह हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वे हमले से बेहद परेशान हूँ। हमले की मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में हमले करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। FBI ने बताया कि हमलावर की पहचान स्थानीय बल्डर काउंटी एरिया के 20 साल के लड़के के रूप में हुई है। हालांकि हमलावर का नाम अभी नहीं बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीक्रेट सर्विस की बड़ी चूक मान रहे हैं। वहीं सीक्रेट सर्विस और ट्रंप के प्रवक्ता दोनों ने बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक बयान में कहा वह ठीक है और स्थानीय डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिल और मैं उसे सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हूँ।